आज हम लोग, मैं और अक्षय भैया, हो सकता है कि शायद हम लोग झूला घाट भी जाएं। तो झूला घाट एक छोटा सा टाउन है, नेपाल बॉर्डर है, दूसरी तरफ छोटा सा एक सस्पेंडेड ब्रिज है, सस्पेंशन ब्रिज जो कहलाता है, उसके दूसरी पार नेपाल है। तो आज हमारा प्लान तो वहीं जाने का है, देखते हैं कामयाब होते हैं कि नहीं। शेडो, आज दिनेश दा ने चटकानी बनाई है, हो सकता लंच। अक्षय भैया रथ निकालिए, झूला घाट की तरफ चढ़ाई करते हैं। भाटकोट से निकल चुके हैं हम लोग झूला घाट की, जो कि छोटा सा टाउन है नेपाल बॉर्डर पे, मैंने पहले बताया। मौसम सुहाना लग रहा है, बलराम चौराहा है ये। क्वार्टर है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का। पानू मामू आइए, ये पानू मामू है, हम लोग पानू मामू कहते हैं इनको। पान सिंह बिष्ट है इनका नाम, और ये अक्षय भैया के गांव धनौड़ा के निवासी हैं। आज पानू मामू हमारा साथ देंगे झूला घाट तक। ठीक है पानू मामू, चलें, चलिए झूला घाट की तरफ कूच करते हैं हम लोग। झूला घाट की ओर हम लोग जाते हुए पिथौरागढ़ शहर के सबर्ब्स में, आपकी यात्रा मंगलमय हो। देखिए अंदर डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी रिसर्च। यहाँ का स्कूल है आर्मी का, जनरल बीसी जोशी पब्लिक स्कूल, बहुत ही बढ़िया सेटअप है। ये मिलिट्री स्टेशन पिथौरागढ़ का बोर्ड लगा है, यहाँ सारा आर्मी एरिया है। यहाँ पे आर्मी हॉस्पिटल भी है, एमएच कहते हैं जिसको, 161 एमआईएल हॉस्पिटल लिखा है। अनुशासन ही सैनिक का आभूषण है, बहुत बढ़िया है। का बाजार है यहाँ पे, ममता जलेबी वाला है जो बहुत फेमस है। झूला घाट 22 किलोमीटर, ये बता दें। इस गांव का नाम है किल, क्या नाम है, वाह। उत्तराखंड में बच्चे फौज में जाने की सिलेक्शन की तैयारी करते हैं, इसलिए इस तरह से रास्तों पे मिल जाते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जय हिंद। ये एक स्रोत है पानी का, इस तरह से स्रोत से आते जाते लोग पानी पीते हैं, जैसे अभी ट्रक वालों ने पिया। अक्षय भाई थोड़ी सी गाड़ी धोते हुए, नेचुरल कार वॉश। एक रिजर्वायर लग रहा है ये, सामने एक लोमड़ी खड़ी है। एक रास्ते में हमें लोमड़ी मौसी मिली, फॉक्स।
ये सब मौन पालन हो रहा है, मधुमक्खी पाली जा रही है। हेलो, गुलाघाट से लगभग 14 किलोमीटर दूर है और ये सामने जो है काली नदी है, जो कि एक तरफ इंडिया है, एक तरफ नेपाल है, वो दूसरी तरफ नेपाल है। ये पूरी काली नदी है, बहुत ही सुंदर दृश्य जो कि हम ऊपर से रोड से देख रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर नज़ारा झूलाघाट टाउन का, जो कि एक छोटा सा बॉर्डर पे कस्बा है इंडिया की साइड में, दूसरी साइड ये नेपाल है, बैतड़ी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, और दोनों को कनेक्ट करता है एक सस्पेंशन ब्रिज, जिसे इस जिसकी वजह से झूलाघाट नाम पड़ा है। ऑलमोस्ट नीचे उतर के अब झूलाघाट है यहाँ पे। सभी तरह की दुकान, मामू कह रहे हैं कि यहाँ पे ज्यादातर सारे लोग जो आते हैं वो नेपाल साइड से ही आते हैं, तो ये मेन मार्केट है, बैतड़ी डिस्ट्रिक्ट से जो लोग आते हैं। काली नदी है, दूसरी तरफ नेपाल है। ये मार्केट है यहाँ की, छोटी सी पैदल रास्ता है, गाड़ी हमने उधर खड़ी कर दी है। रोजमर्रा की चीजें हैं यहाँ पे, होटल्स हैं, खाने के कपड़े हैं, ग्रॉसरी वगैरह सब है, सब्जियां हैं। बेसिकली नेपाल के लिए ये जगह मार्केट के तौर पे सर्व करती है। मामू लग रहा है आज काफी शॉपिंग करके जाएंगे, पूरा बैग लेके आए हैं। कॉपी किताबें सब कुछ मिलता है यहाँ पे। नेपाल की साइड में एक मंदिर है, बहुत ही सुंदर। ये नेपाल साइड है झूलाघाट की। वेलकम टू नेपाल। ज्यादातर लिकर की शॉप्स हैं यहाँ पे। ये नेपाल में झूलाघाट में नेपाल की साइड हमारे संजू भाई हैं, जिनकी ये शॉप है, अक्षय भैया के जानकार हैं, दोस्त हैं झूलाघाट में। ये इंडिया से कुछ फ़र्क ब्रांड्स यहाँ के, जैसे हमारे यहाँ मैगी होता है, टॉप रेमन होता है, यहाँ का करंट है वाई, तो ये है कॉलेज, ये भी एक ब्रांड है कोई नूडल्स का। 2 PM हॉट एंड स्पाइस। ये प्रीति है, अलग अलग आगे बढ़ते हुए नीचे नदी है, नेपाल में है हम लोग।
एक खोखरी है जो जनरली हम लोग गोरखा लोगों से एसोसिएट करते हैं, नेपाल से एसोसिएट करते हैं, वैसे तो इंडिया में भी पाई जाती है। सामने झूला घाट दिख रहा है, इंडिया, ये नेपाल। ये भी झूला घाट है, बट नेपाल का झूला घाट है। हर तरह के कपड़े, कंबल, मामू जरा लगा के दिखाइए। ये गोरखा आर्मी कैप है ना? आर्मी कैप है, कैसा है? नॉर्मल गोरखा कैप है ये, बहुत बढ़िया लग रहा है। नेपाल में ही रह जाइए बाप, बहुत ही सुंदर बिल्डिंग, पुरानी लग रही है, वुड वर्क है इसमें, सारी मार्केट है। ये पुराने हुए हैं नेपाली स्टाइल में। संजू भैया इसका नाम होगा कुछ नहीं, टोकरी बोलते हैं, टोकरी है इसमें। इंग्लिश में बोलिए टॉप फॉरवर्ड, जिससे एक जमाने में हम लोग जब बच्चे थे तो हमने देखा था कि गेहूं वगैरह साफ करने के लिए फट्टा जाता था। संजू भाई बता रहे हैं जो ये 2 PM है, ये हॉट एंड स्पाइसी नाम है इसका जैसे लिखा हुआ है। ये कोरियन फ्यूजन के संग नूडल्स हैं, काफ़ी तेज़ हैं स्वाद में। संजू भाई ने यहाँ के नूडल्स तैयार करे हैं, कैसे हैं अक्षय भैया? बढ़िया, अब बताइए। गुड। ये कौन से वाले बनाए हैं आपने? कॉलेज का मतलब है जंगली मुर्गा। अच्छा, तो ये चिकन फ्लेवर्ड है बेसिकली। ओके, ये रखा है कॉलेज, मैं भी लेके जाऊंगा 2-3। बहुत ही बढ़िया नूडल्स बनाए हैं, एग और अनियन डाल के, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ रहा है। मामू कैसे लगे आपको? बहुत बढ़िया, मामू ने पास कर दिए। गुलेल भी मिल रही है यहाँ पे, मुझे लग रहा है दोनों ही तरफ बंदरों का भी काफ़ी आतंक हो चुका है आजकल, शायद बंदर भगाने के लिए। संजू भाई ये गुलेल क्या, बंदर भगाने के लिए? सही था मेरा अनुमान। अलग अलग तरह के नज़ारे नेपाल में मिल रहे हैं, रंग बिरंगे गुलेल ढेर सारे। अब हम संजू भाई को अलविदा कहेंगे, बाय बाय कहेंगे, नेपाल को भी बाय बाय कहेंगे, नेपाल में दोबारा आने के लिए हार्दिक धन्यवाद। चलिए संजू भाई, नेपाल फिर आएंगे। ओके, बाय बाय बाय।